दोस्तों कैसे हो। फाइनली मार एक न्यू वीडियो के साथ। इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो बहुत ही खास है और ये वैकेंसी आई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि केंद्र सरकार से। दोस्तों यहाँ पे भर्ती आई है नीलेट के डिपार्टमेंट से और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, स्टीनोग्राफर, फाइनेंस ऑफिसर व अन्य काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी आई है और यहाँ पे सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों इन सारे पदों पर यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है, आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो और इस वैकेंसी के लिए कोई भी ग्रेजुएट, पीजी, बीटेक, एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कंप्लीट डिटेल और आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। लेकिन सबसे पहले इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फाइनली मार्ग अपनी वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटिंग बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि नीलेट, और यहाँ पे एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। मतलब है आपको इसका फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर फिलअप करना होगा। अगर हम बात करते हैं इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके पोस्ट डिटेल्स की, तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल कंट्रोलर, साइंटिस्ट डी, एडमिनिस्ट्रेटिव कम फाइनेंस ऑफिसर, सीनियर फाइनेंस ऑफिसर, साइंटिस्ट सी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टीनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट व जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर वैकेंसी आई है। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 66। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके एडुकेशनल डिटेल्स की, तो यहाँ पे सीनियर फाइनेंस ऑफिसर के लिए CA, ICWA, MBA फाइनेंस, CA SAS वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BCOM किया है, साथ ही 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। वहीं आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, BA, BCOM, BSc, BTech कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों वहीं आपको स्टीनोग्राफर के लिए भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आपने स्टीनोग्राफी का कोर्स किया होना चाहिए और आपको टाइपिंग की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों बाकी सारे पोस्ट के लिए ग्रेजुएट, पीजी डिग्री, बीटेक, एमटेक अप्लाई करेंगे, साथ ही एक्सपीरियंस मांगा गया है सब में। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन यहाँ पे बेस्ड है रिटन टेस्ट इंटरव्यू पर, और यहाँ पे आयु सीमा मांगी गई है मैक्सिमम 50 साल, जो कि आपको पोस्ट वाइज चेंज होती है, तो आप जरूर से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। सैलरी यहाँ पे मिलती है आपको 30 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ की, और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको काफ़ी टिपिकल है, आप देख कर समझो एप्लीकेशन फीस। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगी दिल्ली, और इसको अप्लाई करने का डेट है 20 जून से 19 जुलाई के बीच में। दोस्तों इस वेबसाइट पे आने का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के पहले कमेंट में। पहले कमेंट पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आइएगा, सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पढ़िएगा, और फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे देखो अप्लाई लिंक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन है, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है, देखो हाथ जहाँ बन रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ से आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को भरना होगा। इस तरह आप इस वैकेंसी का फॉर्म भर पाओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।